गुजरांवाला में वर्जिश और खुद को तवाना रखने के रंग भी निराले हैं। पहलवान सुबह उठते ही पार्कों के बजाय अखाड़ों का रुख करते हैं। किस किस्म की वर्जिश करते हैं और कौन सा मशरूब शौक से पीते हैं, बता रहे हैं मोहम्मद असलम इस रिपोर्ट में। ये हैं गुजरांवाला के पहलवान, जो सुबह सवेरे पार्क्स की बजाय अखाड़ों का रुख करते हैं। अखाड़े में आते ही पहलवान लंगोट कसकर सबसे पहले अखाड़े की मिट्टी को ताजा करते हैं। फिर रवायती कुश्ती, दोहरा डंड और बैठकें लगाने के बाद खूब दाव पेच आजमाए जाते हैं। कोई लगाता है पुट्ठी का दाव तो किसी का धोबी पटखा चल जाता है। एक्सरसाइज डंड बैठकों से शुरू करते हैं और दूरे लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, उसके बाद अखाड़ा गोड़ना, सुहागा फेरना और अखाड़े के अंदर जोर करना, ये पहलवानों की सदियों पुरानी तरतीब है। पहलवान ना सिर्फ जोर आजमाई करते हैं बल्कि एक दूसरे को पछाड़ा भी जाता है। फिर मुख्तलिफ मरकबात से सरदाई तैयार की जाती है जो पहलवान पीते हैं, और पहलवानों का कहना है कि ये सरदाई जिस्म के लिए बहुत मुफीद होती है। किलो तो ज्यादा बदाम ने, ये पहलवान पीन के हड्डी मजबूत भी करेंगे और दिमाग नु ताकत भी देंगे, पिंडे पावर भी लेंगे, ये बहुत मफीद चीज है। पहलवानों का कहना है कि देसी कुश्ती को कायम रखने के लिए बहुत ज्यादा खुराक और वर्जिश की जरूरत होती है, जिस पर काफी अखराजात आते हैं। अगर हुकूमत माली इमदाद करे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं।